गुड मॉर्निंग गाइस, और हम लोग निकल रहे हैं आज रांची रामगढ़ से उत्तराखंड के लिए। होली का नेक्स्ट डे है और सड़कें बिल्कुल खाली हैं इधर अभी। और फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं रांची से या रामगढ़ से लखनऊ के लिए, और सुबह के 7 बज रहे हैं, तो प्लान है कि रात तक लखनऊ पहुंच जाए, मे बी 9 PM 10 PM, और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे आगे भीमताल के लिए। तो ये एक नॉन स्टॉप ड्राइव होगी टिल उत्तराखंड, और हम लोग लखनऊ में कोई नाइट स्टे नहीं करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको इस ब्लॉग में लखनऊ तक का रूट दिखाऊंगा, क्या कंडीशन है वो दिखाता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग लखनऊ के आगे का रास्ता आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ लखनऊ। रास्ते में इलाहाबाद आएगा, वाराणसी आएगा, और वहाँ से इलाहाबाद से हम लोग रायबरेली होते हुए लखनऊ जाएंगे। वाराणसी से डायरेक्ट रूट है, बट उससे नहीं जाएंगे। और अभी देखते हैं कि भाई कंडीशन कैसी है। सड़कें खाली होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ झारखंड में भी दिख भी रहा है, क्योंकि होली का नेक्स्ट डे है, सड़कें बिल्कुल खाली। और वैसे भी जो झारखंड है वो खाली खाली सही है। गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है, खत्म हो नहीं गया है, थोड़ा सा बाकी है। कल होली थी और तेल भरवाना भूल गए। देखते हैं, अब इतना तेल है कि गाड़ी 100-150 किलोमीटर चल जाएगी, बट क्योंकि इधर बीपी का अपना पेट्रोल पंप नहीं है झारखंड में, तो हम लोग सीधे बीपी चंदौली, जो कि उत्तर प्रदेश में इंटर करते ही है, वहाँ भरवाएंगे। तो अभी कहीं 1000 रुपये का तेल ले लेंगे, ताकि आराम से वहाँ तक बीपी चंदौली तक पहुँच जाए। अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर है यहाँ से। और अभी पेड़ों पर नए नए पत्ते आए हुए हैं, और भी खूबसूरत लग रहा है। और इंडिया को देखने का इससे बेहतर कोई वे नहीं है। अपनी गाड़ी से घूमिए, अपनी फैमिली के साथ घूमिए, और इस तरह से जो आप इंजॉय कर पाएंगे, इतने नज़दीक से आप इंडिया को फील कर पाएंगे, वो कभी भी ट्रेन और फ्लाइट में तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि कार्स बनी ही हैं घूमने के लिए, घर में रखने के लिए नहीं बनी है। और ये हमारे इस रोड ट्रिप का पहला टॉल, हजारीबाग और बरही के बीच में। ये टॉल अभी रिसेंटली चालू हुआ है, टॉल यहाँ है 60 रुपीज। अभी हम लोग बरही के पास हैं, और अकॉर्डिंग टू गूगल मैप अभी लखनऊ यहाँ से 612 किलोमीटर है, और अप्रॉक्सीमेट अराइवल टाइम 8:20 बता रहा है। देखते हैं, उससे पहले भी पहुँच सकते हैं, या कहीं रुक गए ज़्यादा तो लेट भी हो सकता है। बट सड़कें बिल्कुल खाली हैं, चूँकि होली का नेक्स्ट डे है, तो ढाबे वगैरह भी खुले हुए नहीं हैं। बट हम लोग घर से खाना पीना लेकर चले हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी बाबू भी इंजॉय कर रहा है, और हम लोग मस्त गाना सुनते हुए जा रहे हैं। सेकंड टॉल प्लाजा रसोईया धमना, ये कितना सन्नाटा है, बाप रे, इकलौती गाड़ी है मेरी यहाँ पे। और ये हम लोग अब झारखंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, और थोड़ी देर में ही बिहार आ जाएगा, हमारा होम स्टेट। हालांकि दोनों हमारे होम स्टेट हैं, झारखंड भी बिहार भी। ये देखिए गाड़ी के MID पर जो एवरेज माइलेज है वो 24.9 का है, और ये तब से है जब हम लोग रामगढ़ से घर से चले हैं। तो अभी तक अभी 120 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि क्रेटा जो है अच्छा माइलेज नहीं देती है, वो देख ले,
गाड़ी जितनी पुरानी हो जाएगी माइलेज उसका उतना ज़्यादा बढ़िया आता है। अभी ऐसे भी थोड़ा ढलान में हम लोग ज़्यादा चले हैं, झारखंड से बिहार की तरफ जाते समय, फिर भी 22-23 का माइलेज तो आराम से देगी। बस ये कि तसल्ली से गाड़ी चलाएं आप, 70-80-90 की स्पीड में रहें, 100 जल्दी क्रॉस ना करें, माइलेज बहुत अच्छा आता है। और ये हम लोग अब डोभी पहुँच गए, एक तरफ का रोड ब्लॉक्ड है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये जो राइट में सड़क जा रही है ये बोधगया जाती है, हमें जाना है बनारस की तरफ। और इस रोड ट्रिप का ये हमारा तीसरा टर्न घाटी के पास। तो अभी हम लोग सिरघाटी और औरंगाबाद के बीच में हैं और यहाँ चाय पीने के लिए और थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुके हैं। और घर से तो हम लोग पराठा लेके चले हैं और रास्ते में सासाराम पड़ता है। अब सासाराम ससुराल है तो वीना ने सजेस्ट किया कि चूँकि हमारे पास टाइम है, हाईवे खाली है, तो बहुत जल्दी हम लोग डिस्टेंस कवर कर गए हैं। तो ससुराल में मैंने फ़ोन कर दिया है और हमें रास्ते में वहाँ से खाना मिल जाएगा आगे की जर्नी के लिए। वैसे भी अभी ढाबे वाबे बहुत कम खुले हुए हैं तो रिस्क क्या लेना, ससुराल का फ़ायदा उठाया जाए। हम लोग सासाराम पहुंच गए हैं और वेट कर रहे हैं, वीना गई है गली में घर से खाना लाने, और खाना आ जाए तो फिर हम लोग वही खाना लेकर चलेंगे। हालांकि इस रोड पे भी, ये सासाराम हमारा रोड है और इस रोड पे भी आज ट्रैफिक बहुत कम है, तो बहुत खाली रोड है एकदम, ऐसे यहाँ एकदम ट्रैफिक जाम लगा रहता था। तो हम लोग अब सासाराम से निकल गए हैं, खाना मिल गया हम लोगों को। क्या क्या मिला है जी बताओ? पूरी है, आलू परवल की सूखी सब्जी है, दर्श को किशमिश बहुत पसंद है तो किशमिश भी मम्मी ने दे दिया है, अंगूर है, केले हैं पंकी के लिए, और पूरा खाने पीने का इंतजाम हो चुका है और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमारी ट्रिप का चौथा टॉल चौथा टॉल हो गया। ये अभी हम लोग पांचवा टॉल प्लाजा पार कर रहे हैं मोहनिया का। हाँ सही है। अभी हम लोग यूपी एंटर कर गए हैं और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, जबकि अभी 12:15 ही हो रहे हैं और टेम्परेचर है 39 डिग्री और एकदम अब रुकने का भी मन नहीं कर रहा है, बस यही है कि बस चलते जाओ। आज बॉर्डर एकदम खुला खुला है, अदरवाइज यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। तो हम लोग बीपी चंदौली पहुंच गए हैं और डीजल भरवा लिया है और डीजल भरवा के अब निकल रहे हैं। करीब 4400 का डीजल आया, पूरा टैंक फुल करवा लिया ऊपर तक, और रामगढ़ से लेकर यहां तक गाड़ी ने माइलेज दिया है 21 का। चलिए सासाराम में थोड़ा अंदर चले गए इसलिए थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज 23 का माइलेज दे रही थी फोर लेन पर। खैर अब हम लोग यूपी इंटर कर चुके हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तेल ले लिया है, तेल ले लिया है, अब तेल भरवाना नहीं पड़ेगा अगले कम से कम 800 से 1000 किलोमीटर तक। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम इधर चल रहा है और बनारस तक ऐसा ही रूट मिलेगा अभी फिलहाल। तो
और ये आ गया इस ट्रिप का 6th टॉल प्लाजा बनारस के पास। कहीं जाम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर देखिए है ट्रैफिक थोड़ा बहुत तो है। प्रयागराज 80, और हम लोगों को प्रयागराज से थोड़ा आगे जाना है बाईपास पे, तो फिर वहाँ से रायबरेली के लिए टर्न ले लेंगे। अब आई थिंक बाईपास जो है वहाँ से लेकर रायबरेली तक सिंगल लेन है रोड, मतलब फोर लेन हाईवे नहीं है, बट उसके बाद फिर से फोर लेन मिल जाएगा लखनऊ तक। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 152 और टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफ़ी गर्मी है। और चाय पीने का तो मन नहीं कर रहा है बिल्कुल, उल्टा लस्सी मिल जाए तो लस्सी ज़रूर पी लेंगे। और ये हमारे इस रोड ट्रिप का 7वां टॉल है नहीं, ये अभी जो लाला नगर टॉल हम लोगों ने क्रॉस किया, ये 6 लेन बनने के बाद, ये एक्सप्रेस वे बनने के बाद अब यहाँ टॉल 185 हो गया है, जो आई थिंक कुछ साल पहले तक 60 या 70 था मैक्सिमम, इतना तो याद नहीं है। लेकिन ये तो है कि भाई अगर सड़कें अच्छी बन रही हैं तो टॉल को जरूरत से ज़्यादा ही महंगा कर दिया जा रहा है, मतलब मोदी जी पूरा लूट रहे हैं, कहाँ 60 रुपये कहाँ 185 रुपये कर दिया, सीधे 3 गुना दाम बढ़ रहा है। लोग चलते चलते ही अब लंच कर रहे हैं। माँ इतना टेस्टी पूरी सब्जी दी है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, रुकने में कोई टुक नहीं है। और ये पूरी भी रोटी का साइज है। गाड़ी में लंच करने के बाद कोई ढाबा वाबा नहीं मिला तो हम लोग एक चापाकल देख करके रुक गए, और लवी को ट्रेनिंग दी जा रही है चापाकल चलाने की, और बोतल में पानी भी ख़त्म हो गया है, पानी भी भर लेते हैं। ये पीने वाला पानी नहीं है, ये हम लोग हाथ वाथ धोने के लिए यूज़ करते हैं, डिक्की में पड़ा रहता है। और बाकी रायबरेली अभी बहुत दूर है, अभी तो जस्ट इलाहाबाद बाईपास से आगे निकले हैं, लखनऊ में भी 7:30 तक पहुँच जाएँ, तो शाम को सोच रहे हैं बिरयानी खा के फिर आगे निकला जाए, तो फिलहाल तो एक प्लान है। तो अभी एक चापाकल मिल गया हाईवे के किनारे, तो हम लोग रुक के मस्त सबको ही हाथ मुंह धो लिए, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। टेम्परेचर अभी 41 है, बट इधर गर्मी ज़्यादा नहीं फील हो रही है, क्योंकि यहाँ गर्मी जो है ना वो सूखे वाली गर्मी है, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी नहीं है जैसे हमारे साइड पटना में होती है, तो इधर तो लगता है कूलर से भी काम चल जाता होगा। और अब जो रोड है वो नॉर्मल 2 लेन हाईवे है, और हम लोग कुंडा के पास से गुजर रहे हैं, और अनडिवाइडेड है, बट इस तरह की हाईवेज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इनकी खास बात क्या होती है कि दोनों तरफ पेड़ होते हैं, पेड़ों की छाया में आपकी गाड़ी चलती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, प्लस हाईवे भी अच्छा है। तो यहाँ से अब लखनऊ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 घंटा लगना चाहिए, मैक्सिमम 4 घंटा। कुंडा यहाँ से 24 किलोमीटर है, फिर उसके आगे आएगा रायबरेली, तब फिर लखनऊ। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ एक बटोही करके रेस्टोरेंट है, शाम करीब 4:30 हो रहा है, और यहाँ हम लोग चाय पियेंगे, काफ़ी देर हो गया था चाय पिए हुए। अभी भी लखनऊ यहाँ से दूर है, 3 घंटे अभी और लगेगा, 3 या 2.5 घंटे लगना चाहिए। हम लोग ऊंचा हार के पास हैं, अभी बहुत सारा प्रोडक्ट है। ओ माय गॉड, क्या क्या है जी यहाँ, है ना, पानी के बतासे, टिक्की चाट, बहुत ज़्यादा आइटम है भाई, उधर पिज्जा भी है। तो हम लोगों का चाय हो गया, और अब हम लोग निकल रहे हैं, 4:45 हो रहा है। एक टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया है गाड़ी में, तो टिश्यू पेपर लेना है बस। टिश्यू पेपर
तो हम लोग अब रायबरेली क्रॉस कर रहे हैं और लखनऊ यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली और 80 किलोमीटर बचा है। टाइम हो रहा है 5:22। हम लोग अभी लखनऊ में आए और दीपक जी से मिल रहे हैं। यह पहली बार हम लोग किसी सब्सक्राइबर से मिल रहे हैं और दीपक जी लखनऊ में ही रहते हैं। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिल करके। और इनका भी एक चैनल है लखनऊ एक्सप्रेस करके, तो आप चाहें तो इनके चैनल पर भी जा सकते हैं और अच्छी वीडियोस डालते हैं और इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भैया का भी मुझे पहली बार मिलकर बहुत अच्छा लगा। भैया एक बिगनर हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी फैमिली के साथ हजारों 1500 किलोमीटर दूर चलते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है देख के। और कोई जब कोई दूर से अब कभी आके आपसे मिलता है और जब अनजान होता है, स्टैंड होता है, बिल्कुल बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और भैया की भी चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, रविदान नाम का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से कभी लखनऊ से किसी जर्नी पर, शायद नेक्स्ट आने वाले समय में हम लोग एक साथ टूर पर हैं, राइड पर भी निकले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच रवि भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लखनऊ में आने का। चलिए थैंक यू। हम लोग फाइनली लखनऊ पहुँच गए हैं और टाइम हो रहा है 7:10, मतलब 12:15 लगा, 12:15 में हम लोग पहुँच गए रामगढ़ झारखंड से लखनऊ, क्योंकि रोड्स काफ़ी खाली थी और हम लोग बहुत कम रुके। और अब हम लोग जा रहे हैं हज़रतगंज में दस्तरखान, क्योंकि अब लखनऊ आए हैं तो कुछ ना कुछ खा कर ही जाएंगे। तो इस रोड ट्रिप का जो एंड है वो मैं दस्तरखान पे करूँगा। फिलहाल हम लोग जो है हज़रतगंज के पासी एरिया से विधानसभा के आसपास से गुजर रहे हैं। तो इस ब्लॉग का एंड हम लोग दस्तरखान पर कर रहे हैं डिनर के साथ, क्योंकि वीना और बच्चे वेज हैं इसलिए मुझे अकेले ही खाना पड़ा। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लखनऊ से भीमताल की जर्नी आपको दिखाएंगे। हम लोगों का रात को यहाँ रुकने का प्लान नहीं है, तो हम लोग अब रात भर ड्राइव करेंगे और सुबह या दोपहर तक भीमताल पहुँच जाएंगे जहाँ हमारी बुकिंग है। तो वो जर्नी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी, जिसमें नाइट जर्नी भी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बाय।